अभी तक भी सो रहा है। हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ गाइस, मैं ईटानगर आ चुका हूँ। उस दिन ही आया था, आके यहाँ पे 4 दिन हो गया, तो मैंने कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं किया। पहले तो मैं बस्ती से आया। बस्ती से आने के बाद एक दिन पूरा रेस्ट किया, टोटली पूरा थक चुका था। तो रेस्ट करने के बाद मैं पूरा घर और पूरा सफा किया। तो सफा करने के बाद में आज मुझे याद हुआ कि मैंने बहुत ही दिन से वीडियो नहीं डाला था, और मेरा सब्सक्राइब भी इंतजार कर रहा है कि नाकू कब वीडियो डालेगा, कब हम लोग देखेगा। तो इस कारण से तो आज मैं जा रहा हूँ, सॉरी अभी मैं निकल रहा हूँ ईटानगर गंगा मार्केट। तो क्या लेने जा रहा हूँ आप लोग को टाइटल में थंबनेल देख के पता चल गया, बताने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग बहुत ही स्मार्ट है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, भैया तो सो रहे हैं, तो अभी मैं निकलेंगे। निकलने के बाद में मैं आप लोग को बाद में मिला, ठीक है? चलो 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 चलो। धूप देखिए गाइस, पूरा धूप आ चुका है और ईटानगर बहुत ही गर्म हो चुका है। बस्ती में तो बहुत ठंडा है, पूरा स्वेटर पहन के रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही गर्म है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने लोकेशन की ओर। अभी ना गाइस, ईटानगर भी बहुत ही गर्म होना शुरू हो गया, आई मीन हम लोग का अरुणाचल ही गर्म होना शुरू हो गया। क्यों बोलने से ओबियसली गाइस, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सब पहले पूरा जंगल था, और जो हम लोग का कॉलोनी था वो भी बहुत ऐसा पानी खेती जंगल था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं सब लोग, अपना ज़मीन खरीदने घर उर बनाना शुरू हो गया, पैर उर को करना शुरू हो गया, इसलिए बहुत ही गर्म हो गया। अभी तो ये मार्च अप्रैल में भी ईटानगर में गर्म नहीं होता था। क्यों बोलने से पहले बहुत घास लोग भरती था, मतलब आई मीन पूरा खेती वेती होने की वजह से। तो अभी क्या किया, पूरा कटने की वजह से अभी इतना गर्म होना शुरू हो गया, इतना गर्म होना शुरू हो गया। अभी पूरा मार्च में पूरा गेंजी, उसके बाद में बॉक्सर पहन के रहना पड़ता। तो वही है गाइस, अभी और 4-5 साल में तो क्या होगा कि पूरा फरवरी में ये सब गर्म होना शुरू हो गया। जगह से हमको उठने का मन ही नहीं करता, इतना उठना पड़ता है, इतना उठना पड़ता है, सांस ही फूल जाता है। तो इसलिए तिनाली तक नहीं, नहीं बोलने से आई थिंक 2 किलोमीटर होगा हम लोग का घर से वहाँ तक, और फिर तिनाली से और गंगा 3 किलोमीटर, तो मिला के हो गया 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हम लोग को जाना होता है मेन मार्केट। तो चलो, तो मैं पहुँच गया है गोपुर तिनाली। तो इसे तिनाली क्यों कहता है बोलने से, ये एक रास्ता है, ये दो, उसकी पत्नी ये है एक रास्ता यहाँ पे, तो इसे कहते हैं तिनाली। तो अभी चलते हैं गंगे की ओर, चल। तो मैं गंगा मार्केट पहुंच चुका हूं, ये रहा। तो अभी आगे जा के मैं लूँगा जो लेना था, लेने के बाद में मैं निकल जाऊंगा। तो वही चीज़ मैं लेने के लिए आया हूं। चलो देखते हैं कहाँ मिलते हैं, चलो। तो गाइस ये रहा, मैं अभी यहाँ से सामान लूँगा। कहाँ पे है, मुझे ढूंढना है सब सब्जी मार्केट ही देखी। फाइनली मिल गया, ये रहा। आंटी कितना है किलो?
800। तो मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा मुझे, क्योंकि टेस्ट करना है। ये रहा, तो गाइस ये रहा, मैं ले लिया है। तो गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ, जैसा अभी पहुँचा, बाहर में बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है। तो ये रहा, कहाँ है ये रहा, अभी मैं इसको बनाऊंगा और खाऊंगा, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को बाद में मिल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे गैस पे पानी बिठा लिया, ये उबलने के बाद में, ये मैं जो केटल फिलर है मैं इनको यहाँ पे ढालूंगा गर्म पानी उबलने के बाद में। तो मैं उबलने के बाद में इसे मैं ड्राई फ्राई करूँगा, क्योंकि मुझे ड्राई फ्राई खाना है। सब लोग बोलता है कि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी आता है, और मैं आज ट्राई करके देखूँगा कि कितना टेस्टी होता है। मैं आज इसे ड्राई फ्राई करूँगा, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्राई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये रहा। तो गाइस मेरा केटल फिलर बना के रेडी हो चुका है, तो चलो फिर खाते हैं, ठीक है, चलो। तो गाइस ये रहा, मेरा पूरा रेडी हो चुका है। ये रहा, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, मैंने इसे ड्राई फ्राई किया। और गाइस ये जो ना बहुत ही महंगा है, इसका केजी हिसाब है, एक किलो का है 900 है। तो मैंने ड्राई फ्राई किया, और चावल थोड़ा है, उसके बाद पे केटर फिला है, और ये जो है मोमोज का चटनी है, और ये जो बॉयल सब्जी है, थोड़ा आलू और पत्ता है, पत्ते के साथ पे। तो चलो खाते हैं, ठीक है, चलो। चलो खाते हैं मोमोज का चटनी, ये मैं टेस्ट करता हूँ। वाओ, लगता है हम इसे ऐसा करके खत्म कर देगा, लगता है बहुत टेस्टी है। खाना ही खा लेते हैं, माय गॉड, बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा।
यम 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 यम्मी। तो गाइस चलो मैं खा लेता हूँ, आप लोगों को बाद में मिलते हैं, ठीक है चलो। तो गाइस मेरा खा के ख़त्म हो चुका है, तो बहुत ही टेस्ट था, मैंने होप नहीं किया था कि इतना टेस्ट होगा करके। तो चलो आज का वीडियो इतना तक था, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा था प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।